कन्नौज को लेकर हमने पूछा जनता से सवाल कि अगला सांसद कन्नौज से किसे होना चाहिए, अखिलेश यादव या सुब्रत पाठक क्या किसी और को? कन्नौज की जनता ने क्या दिया जवाब, देखेंगे हमारे डी भारत न्यूज के सबसे बड़े सर्वे में। हमारी टीम कन्नौज की जनता के बीच में गई तो हमारी टीम ने कन्नौज की जनता से पूछा सवाल, क्या मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने अच्छा काम किया है? अगर अच्छा काम किया है तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या सुब्रत पाठक को एक मौका और देंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी सुब्रत पाठक का टिकट काटती है तब क्या भारतीय जनता पार्टी को कन्नौज की जनता फिर से मौका देगी या नहीं देगी? दीवारन न्यूज के सर्वे में कन्नौज की जनता से हमने सबसे बड़ा सवाल पूछा कि अखिलेश यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, या उनके परिवार से किसी को प्रत्याशी होना चाहिए? कन्नौज की जनता ने क्या दिया जवाब, आप देखेंगे हमारे इस सबसे बड़े सर्वे में। और आपको एक बात और बता दें, अगर आपको हमारे इस सर्वे को देखना है तो देखते रहिए हमारे चैनल डी भारत न्यूज को, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक खबरों को देखते रहिए हमारे चैनल डी भारत न्यूज पर। सर्वे को लेकर अगर आपको आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल प्रेस कीजिए और हमारी डी भारत न्यूज से संपर्क करिए, अपना सवाल भेजिए। कन्नौज को लेकर हमने पूछा जनता से सवाल कि अगला सांसद कन्नौज से किसे होना चाहिए, अखिलेश यादव या सुब्रत पाठक क्या किसी और को? कन्नौज की जनता ने क्या दिया जवाब, देखेंगे हमारे डी भारत न्यूज के सबसे बड़े सर्वे में। और कन्नौज की जनता से हमने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी सरकार में है, इसने कन्नौज को लेकर क्या काम किया, कन्नौज को लेकर अच्छा काम किया कि कन्नौज के लेकर अच्छा काम नहीं किया? कन्नौज को लेकर जब हमारी डी भारत न्यूज की टीम कन्नौज की जनता के बीच में गई तो कन्नौज की जनता से हमने सबसे पहले सवाल पूछा कि कन्नौज में विकास किसने किया, अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक? कन्नौज की जनता ने क्या दिया जवाब, देखेंगे आप हमारे डी भारत न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज, मेरा नाम है सौरव सविता। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज लोकसभा सीट का। चर्चा ये है कि अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव कन्नौज और आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। अगर अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कन्नौज की जनता क्या सोचती है, हमने इस बारे में कन्नौज की जनता से पूछा। अगर भारतीय जनता पार्टी सुब्रत पाठक का टिकट काट देती है तब कन्नौज की जनता क्या सोचती है, किस मुद्दे पर करेगी जाकर वोट? अगर भारतीय जनता पार्टी सुब्रत पाठक को 2024 में दोबारा प्रत्याशी बनाती है तब क्या सोचती है कन्नौज की जनता? कन्नौज में अभी तक सबसे ज़्यादा किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा विकास किया, सुब्रत पाठक ने क्या काम किया, अखिलेश यादव ने क्या काम किया? इन सभी मुद्दों पर हमने कन्नौज की जनता का मन टटोला और समझा कि कन्नौज का माहौल क्या है। डी भारत न्यूज की टीम करीब 3 से 4 हज़ार लोगों के बीच गई और लोगों से पूछा कन्नौज का अगला सांसद कौन होना चाहिए, अखिलेश यादव या सुब्रत पाठक या कोई और? जनता ने जवाब दिए और हमारी टीम के पास वो सर्वे रिपोर्ट बहुत ही जल्द आने वाली है। हम लोग खुलासा करने वाले हैं डी भारत न्यूज पर, डी भारत न्यूज ये खुलासा करने वाला है कि कन्नौज से अगला सांसद किसे होना चाहिए, क्या कहती है कन्नौज की जनता, क्या कहती है कन्नौज की आवाम? अगर सुब्रत पाठक ने अच्छा काम किया है तो कन्नौज की जनता क्या मानती है, अखिलेश यादव ने अगर अच्छा काम किया तो कन्नौज की जनता क्या मानती है, डिंपल यादव ने अच्छा काम किया तो कन्नौज की जनता क्या सोचती है, कन्नौज में जो नेताओं ने वादे किया क्या वो हकीकत बने कि नहीं बने? इन्हीं सब मुद्दों पर हमने कन्नौज की जब जनता से पूछा तो कन्नौज की जनता ने दिए चौंकाने वाले जवाब, इसका बहुत जल्द खुलासा करने वाली है हमारी डी भारत न्यूज़ की टीम। आप देखते रहिए हमारे चैनल डी भारत न्यूज़ को। अगर आपको इस सर्वे में और भी कोई सवाल पूछना है तो हमारी टीम डी भारत न्यूज़ को करिए संपर्क और पूछिए हमसे सवाल, हम वो भी सवाल लेके जाएंगे जनता के बीच और समझेंगे कि कन्नौज का माहौल क्या है। देखते रहिए हमारे चैनल डी भारत न्यूज़ को। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सविता, डी भारत न्यूज़, कन्नौज।